हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप कर क्या सकते हैं, अब आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किए बगैर किसी भी दूसरे बंदे की वीडियो आराम के साथ शूट कर सकते हैं। उस बंदे को कानो कान खबर नहीं होगी। अगर वो आपका मोबाइल देख भी लेगा तब भी उसको नहीं पता लगेगा कि आप उसकी वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये सामने दो एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। बेसिकली ये एक ही एप्लीकेशन हैं, लेकिन एक इसका शॉर्टकट है जो कि खुद वो एप्लीकेशन बनाती है, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने इसको डाउनलोड वगैरह करके सारी परमिशन वगैरह दे देनी है। उसके बाद आपने ये जो आँख वाली एप्लीकेशन है ना, आपने इस पहले इस पर प्रेस करना है, ठीक है? आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसको बहरहाल अभी आपने नहीं छेड़ना, आपने ये ऊपर ये थ्री लाइन्स में चले जाना है। थ्री लाइन में जाने के बाद आपने जाना है सेटिंग्स पर। अब आपके सामने देखें, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। रिकॉर्डिंग कंप्लीट, आपने इसको ऑन रखना है। और दूसरी भी है, वाइब्रेट व्हेन स्टार्ट रिकॉर्ड वीडियो, यानी कि जब वीडियो स्टार्ट हो जाएगी आपको वाइब्रेट से पता लग जाएगा कि आपकी वीडियो बनना स्टार्ट हो गई है। अगर आप वीडियो एंड पे भी वाइब्रेट रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? नीचे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप स्टोरेज भी अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं जहाँ पर आपकी वीडियो सेव हो जाए, ठीक है? और यहाँ से आप कैमरा चेंज कर सकते हैं, फ्रंट या बैक, जोन सा भी आपने जिससे भी खुफिया वीडियो बनानी है किसी की, तो आप यहाँ से कैमरा चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप फ्लैश लाइट वगैरह भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वो आप ना कीजिएगा क्योंकि उससे आपका पता लग जाएगा कि आप वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस वगैरह हैं, आप सारी रीड कर सकते हैं। ये देखें, बहुत सारी हाई क्वालिटी पर भी आप इसको रख सकते हैं, मैंने हाई क्वालिटी पर रखा हुआ है, ठीक है? और इस नाइट वर्जन की भी इसमें ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हैं अगर आपको नाइट मोड पे बनाना पड़ जाए तो। ये ठीक हो गया, अब हम चलते हैं बैक। अब यहाँ पे आपको एक ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही है क्लॉक की, आपने इस पे आ जाना है, ठीक है? यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, जब यानी कि फॉर एग्जांपल आपने किसी से मिलना हो, आपने कोई खुफिया रिकॉर्डिंग करनी हो, ठीक है? तो वो आप दिन यहाँ पे तारीख सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है? उसके बाद आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि यार इस टाइम पर जो आप टाइम सेट करेंगे ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, इससे किसी को शक भी नहीं होगा, चाहे तो आपका मोबाइल ऑफ क्यों ना हो, ठीक है? इसके बाद आपने फिर यहाँ से ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ से फ्रंट बैक कैमरा जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपने यहाँ से शेड्यूल पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। उसके बाद एक दफ़ा आपने ये रेड बटन को प्रेस करना है, ठीक है? यहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका मोबाइल आप ऐसे होम की करके अपनी बैक स्क्रीन पे आ सकते हैं। अब आपको इसने एक एप्लीकेशन ने दूसरा शॉर्टकट भी दिया हुआ है, ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है? इसका ये मतलब है, ये आप कहीं पे भी अपने मोबाइल में कहीं ड्रैग करके रख सकते हैं। आपने इस पे जस्ट एक दफ़ा क्लिक करना है और आपकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बैक कैमरे या फ्रंट कैमरे से जो भी आप रखना चाहते हैं उससे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? और आप अपना मोबाइल जिस तरह आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं उसी तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अगले बंदे को नहीं पता लगेगा कि उसकी वीडियो बन रही है। उसके बाद आपने ऊपर, जब आप वीडियो बनाना शुरू करेंगे तो ऊपर एक आइकॉन आ जाएगा जिससे पता लग जाएगा कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये देखें,
यहाँ पर आ जाएगा। मैं अभी इसलिए इसको प्रेस नहीं कर रहा क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक दफ़ा प्रेस करेंगे, ऊपर एक वीडियो का निशान बना हुआ आ जाएगा, उससे आपको पता लग जाएगा छोटे आइकॉन से कि आपकी वीडियो स्टार्ट हो गई है, लेकिन स्क्रीन आपकी होम इस रही रहेगी, किसी दूसरे बंदे को नहीं पता लगेगा। उसके बाद जब आपने ऑफ़ करना है, ऊपर अपर से आपने ड्रैग करके वो उस पर क्लिक कर देना है, तो वो आपकी जो है स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने जाके गैलरी में देखना है या जो भी आपने फोल्डर सेलेक्ट किया होगा लोकेशन में, तो वो वीडियो आपकी वहाँ पर उसी जगह सेव पड़ी होगी। इसको ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा, बहुत मज़ेदार एप्लीकेशन है और बहुत काम आने वाली है, और इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई है तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, मैं ऐसी मालूमती वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।